जेल में जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह जेल में चले जाइए। सत्यवादी को जेल होती है, झूठों को जेल नहीं होती। सर कंकाल बन के जाएंगे, हर से कंकाल बन के जाएंगे, इतना मान के कंकाल ही बन जाएंगे, भूखे पैसे बन जाएंगे। देख लो आज आप ये 50 लाख स्टूडेंट हर घर में 2-5-5-10-10 करोड़ ढाई से 5 करोड़ इनको दिखा देंगे इस बार। ये करें झूठ में बंद, सर हम कोर वोटर, इनकी कोर वोटर, माँ बाप दादा दादी सब वोट देते हैं ठुक के सारे, ऐसा ऊंटा डालेंगे भाई। हमारे हक की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। क्यों गलत हो रहा है हम लोगों के साथ? हम तो हाथ जोड़ के, हमने तो मजबूरी में आए, इसलिए कहते हैं शौक नहीं मजबूरी है, अब संघर्ष जरूरी है। 5 दिन का टाइम दिया, सबूत देख लेते, इतने ठोस सबूत थे, नकार दिया, झूठा बता दिया, तब आए। क्या सबूत आपके पास पेपर लीक हुआ है? सर ऐसे मतलब पूरा पेपर है हमारे पास, 24 घंटे पहले लीक हुआ, 24 घंटे रेटिंग से निकला हुआ। सरकार के शनिवार है, मानी जाएगी क्या? क्या माने, शुक्रवार माना जाएगा ना? सच भी तो कोई चीज होती है। नहीं, आज तो सरकार का वही सच है सर, नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। ये बाबा साहब के संविधान का देश है, हमने सरकार बनाई थी 2 साल पहले, हम लोग करने वाले सब देशद्रोही हैं। अगर इस मामले में हमारे इनमें से आधों के आदर किसान, आधों के फौज पुलिस बनाए, हम सब देशद्रोही हैं। 38 साल फौज को दिए, देशद्रोही हैं। इसका मतलब कि अगर डिमांड नहीं मानी गई तो आप लोग यही रहेंगे, यही रहेंगे, यही रहेंगे, यही रहेंगे, यही रहेंगे। पुलिस बढ़ती जा रही है, पता है आपको? मार देगी, मार देगी, मार देगी। सुनो ये सर, ऐसा आंदोलन रहेगा देश के इतिहास में, हमें यही मार देंगे, तिनका भी नहीं उठाएंगे, हम लोग तिनका भी नहीं उठाएंगे, एक दूसरे के हाथ पकड़ के यही मर जाएंगे। वैसे तो मर ही गए, हम चाहते अगर मारा जाए ना लाठों से, रंगोलियों से मारा जाए, बस खत्म हो रहे फिर मामले, लेकिन हम तिनका भी नहीं उठाएंगे, तिनका अपनी जगह से लेंगे नहीं। इतने लड़के हैं, सब युवा हैं, कैसे इनको कंट्रोल कर लेंगे इनकी भावनाओं को? सर ये सारे टीचर दिल से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो सामने नहीं है, तब ये प्रेम है। एक बार ये कह दी ना बैठ जाओ, ये लेट जाएंगे, बस 5 मिनट आराम है, पूरी आवाज बैठ गई है यहाँ पर, बच्चों के साथ हैं प्रॉपर। पेपर लीक हुआ है, 17 तारीख का भी हुआ है, 18 का भी हुआ है, सब जो बात बोल रहे हैं ना उसका साक्षी भी लगाया है। अच्छा क्या मतलब है इसका, क्या मायने, एक इतने सालों बाद भर्ती आई और फिर उसमें भी इस तरह पहले पेपर लीक हो जाते, क्या सर? इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल है, हजारों करोड़ का घोटाला है, कम से कम कई हजार लोगों को 10-10 लाख में पेपर पहले बेका। कभी आपने सुना है कि पेपर बनाने वाले ने पेपर लीक किया हो? इसका मतलब बड़े लोग शामिल है, इसलिए जांच नहीं कर रहे। सबको बड़े बड़ों को मिल गया, फिर जिन बच्चों ने पैसे दिए उन्होंने लालच में छोटे छोटे कम कम पैसों में बांट दिया। नहीं, गरीब घर का लड़का, जाहिर बात है कि अमीरों के बच्चे पुलिस में भर्ती होने नहीं जाते, नहीं जाते। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या उसके जिंदगी गुजरती है जब इस तरह पेपर लीक हो जाता है? तो सर कईयों ने फांसी खा ली, एक ने 4 लाख रुपए दिए पेपर, उसको पकड़ा गया, एक ने, एक और बच्चे ने एक यमुना में कूद गया। सर अगर ये सही आंकड़े आ जाए ना, बच्चा बहुत परेशान है, घर जमीन बेच के माँ बाप कैसे कैसे पढ़ा रहे भाई।